हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम बहुत दिनों बाद फिर से मिल रहे हैं और मैं बना रही हूँ आज, सिंस सुबह सुबह का टाइम है तो मैं बना रही हूँ पोहा और मैं उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो आइए शुरू करते हैं। ये हमारा रेगुलर क्या है, सुबह सुबह का काम है। दूध उबल रहा है नहीं तो खराब हो जाएगा, तो डोंट माइंड द गैस, बट चलो शुरू करें। सो यहाँ मैंने तेल डाल दिया है और इस तेल में ये हमारी जो कच्ची मूंगफली है, ये जो पोहा में बहुत अच्छी लगती हैं, ये देखिए, ये मैं इसमें डालूंगी। फ्राई है काफ़ी सारी डाली जितनी आपको अच्छी लगती है, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और क्रंची इसलिए मैं ज़्यादा डाल रही हूँ। ये मैंने डाल ली है, तेल काफ़ी तेज़ गर्म है तब तक ये फ्राई होती हैं। फ्राई करते हैं, अच्छी सी ब्राउन कोटिंग इन पे आ जाती है और ये बहुत ज़्यादा क्रंची टेस्टी अच्छी लगने लगती है। मैं अपने पोहे में ना एक ही कढ़ाई में सब कुछ कर देती हूँ, मैं पहले आलू फ्राई नहीं करती, इसको करके अलग निकालो, सब कुछ एक साथ ही कर लेती हूँ मैं। तो ये हमारी जो मूंगफली है ये अच्छे से हो रही है, ये देखिए ये अच्छे से चटक रही है। यहाँ पे हमने अपनी बाकी प्रेपरेशन जो है वो कर ली है ऑलमोस्ट। यहाँ पे मैंने प्याज काट लिया है, यहाँ पे एक प्याज है और एक टमाटर और एक हरी मिर्च जो मैं काट के रखा है। ये हमारा कड़ी पत्ता है और ये है हमारा पोहा। तो इसको बस होने देंगे। चले तो अब ये हमारी मूंगफली ना काफी हद तक हो गई है, मैं इसमें डाल रही हूँ राई। इसी कढ़ाई में ये मैंने डाल दी राई, राई चटक रही है और ये देखिए मूंगफली ऐसे एकदम ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये कड़ी पत्ता, काफी कैद करके डाला करिए, मैं प्रोने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए कड़ी पत्ता भी हो गया है, अब इसी में हम डाल देंगे प्याज। तो ये डाल गई प्याज, प्याज अच्छे से हम इसको फ्राई करेंगे इसमें। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है कड़ी पत्ते की, बहुत टेस्टी वाली। ये प्याज अच्छे से हो रही है, तब तक हम क्या करते हैं, बिकॉज अब हमारा तड़का जो है वो ऑलमोस्ट हो जाएगा, तो हम जो हमारा पोहा है इसको लेंगे और इसको वॉश करेंगे थोड़ा सा बिफोर डालना, तो वो मैं करती हूँ। इसलिए हमारी प्याज अच्छे से लाल हो चुकी है, मैं फिर डाल रही हूँ टमाटर और हरी मिर्चें। और इसी टाइम पे हम डाल देंगे ये फ्रोजन मटर है, ये देखिए ये मैं एक मुट्ठी से करी इसमें डाल दूँ तो बहुत अच्छा ग्रीन ग्रीन कलर आएगा, तो हमारा मटर चाहिए और डाल देते हैं, मटर कम लग गया मुझे, सब कुछ भर के डालते अच्छे से खाए। तड़का इतना अच्छा लगता है, इतना कलरफुल तड़का बन जाता है जिसमें मटर प्याज टमाटर हरी मिर्च कड़ी पत्ता मूंगफली सब कुछ होता है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसके जो मसाले हैं वो डालना शुरू करते हैं। हम इसमें सबसे पहले डालेंगे नमक, ये मेरा एक पूरा भर के मैंने नमक डाल दिया है, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिर्ची और थोड़ी ज़्यादा नहीं धनिया, देसी एकदम बनाएंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे इसके अंदर कि जो हमारा तड़का है वो जल ना जाए और इसको एक स्टर देंगे और सारे मसालों को मिला लें। अब
नमक आप थोड़ा और डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मैंने इससे एक वो डाला है और मेरा थोड़ा सा अंदाजा है कि मुझे और डालना चाहिए, तो ये डाल दिया नमक। अब बस ये जिस मैं यूज़ करती हूँ जीएम का पोहा, तो उनके साथ ना ये एक पोहा मसाला भी आता है ये, तो हम ये भी थोड़ा सा डाल देते हैं इसमें। ये देखिए ये मैंने डाल दिया पोहा मसाला। बस अब इसमें कुछ भी और नहीं डलेगा, ये बहुत टेस्टी सा तड़का लग रहा है, इतना सुंदर टेस्टी यम्मी अच्छा काफ़ी अच्छा। बस अब हम इसमें डालेंगे अपना पोहा। ये हो चुका है काफी अच्छे से सब कुछ। अब इसमें अपना जो ये पोहा है इसको हमने धो कर रखा है, बस इसको आपको क्या करना होता है, एक किसी भी बर्तन में डालिए और थोड़ा सा पानी ऊपर से स्प्रिंकल कर दीजिए, बस ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और फिर बनने में अच्छा। तो ये अब मैं अपना पोहा इसमें डाल रही हूँ, डाल दिया मैंने मम्मा, और अब इसको हम मिला लेंगे अच्छे से। हमारा लास्ट स्टेप है, बस हमें सबको अच्छे से मिलाना है, मिक्स करना है। 2 मिनट बाद आपका पोहा बिल्कुल रेडी होगा आपके सामने। नींबू ऑप्शनल है, लाइक मैं जब सर्व करती हूँ तो नींबू तब साथ में रख देती हूँ, तो उसको डालना होता है वो डाले, अदरवाइज मैं नहीं डालती। और आलू भी आज मैंने अवॉइड किया है बिकॉज हमें मटर मूंगफली वाला बना रही थी, आपको आलू भी डालना है तो आप आलू डाल। पोहा तो एकदम रेडी है। अब इसका एक सीक्रेट जो मैं करती हूँ वो है 2 चीनी के दाने थोड़े से, क्योंकि उससे ना एक मॉइस्चर बना रहता है। और अब आप इसको बस 2-3 मिनट के लिए ढक दीजिए। ये मेरा पोहा जो है ये मैं यहाँ पे ढक रही हूँ ताकि नीचे से मेल्ट हो जाए और एकदम रेडी है। 2 मिनट हो गए हैं और हमारा पोहा जो है वो बिल्कुल रेडी है। मैंने गैस बंद कर दी थी और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। काफ़ी खिला खिला और अच्छा बना है, एकदम लड्डू नहीं बने हैं। और अब आप पोहा खाएं, एंजॉय करें। और जो मैं पोहा यूज़ कर रही थी वो था ये देखिए GM फूड्स का पोहा, जिसके साथ एक पोहा मसाला भी आता है, वो काफ़ी टेस्टी है।